अस्सलामुअलैकुम, आपका स्वागत है उल्टे सर के चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या अफगानिस्तान तालिबानी होगा। आज अफगान में काफ़ी जंग छिड़ी हुई है, काफ़ी लोगों का यानी जो मर रहे हैं इस वार जंग की वजह से, और आफ्टर लॉन्ग रनिंग बैटल 34 प्राइम लोकेशन आर अंडर देयर कंट्रोल, यानी 34 इलाके उनके कब्जे में आ चुके हैं, तालिबानों के कब्जे में आ चुके हैं। तो इसके लिए आज के जो ताज़ा तरीन ये है कि इसके ऊपर आपकी राय हो क्या है और आपको इसको जागरण करना है, होशियार करना है कि क्या अफगानिस्तान तालिबानी होगा। हज़ार लोग कम से कम एक महीने में मारे गए हैं इस जंग के दौरान, और मासूमों की मास किलिंग यानी जिसको मासूमों को मारना, इनोसेंट लोगों को मारना, ये इनका पेशा है। आज कई बम धमाके, कई हथियार, कई AK-47 धड़ाधड़ चल रहे हैं और आज बे इंतहा वार अंदर ही अंदर चल रही है। आपको ये शख्स जो है तालिबान एडवांसिंग कह रहे हैं और अंदर फॉरेन ट्रूप विड्रॉ आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल के बाद फॉरेन ट्रूप वहाँ से निकाले गए हैं, और यह जनरल डेविड एक था जिसने, जनरल डेविड पहला जिसको हिंदुस्तान पहले से याद करता है, और ये है दूसरे जनरल डेविड जो कि नाटो के है फॉर्मर कमांडर। बुश इंतज़ामिया के दौर में ये फोर्सेस 20 साल पहले दाखिल हो गए थे, आज 20 साल बाद उनका इनखला हो रहा है, और इनखला करने से करते ही इन्होंने अफगान की कायम की हुई हुकूमत को ऑर्डर दिया कि 6000 कैदी जो खूंखार आतंकवादी है उन्हें 6000 कैदियों को रिहा किया जाए। ये क्यों किया, और यही वो है जो 6000 फौजी आज जाके फ्रंट पे खड़े हो गए तालिबान के साथ। यानी एक बहुत बहुत ही गहरी सियासत और गहरी सोच रख के 20 साल तक उन्होंने वहाँ पे क्यों हुकूमत की, क्यों कहने हुकूमत तो नहीं समझो, जो भी कब्जा किया, जो भी मैनेज किया, कहने के लिए तो कहते हैं क्या बोलते हम उनका सुलह करें, उनको अच्छा करें, ट्रूप को बिगा अपने ट्रूप भेज के, और आज जब निकल के चले गए तो 6000 कैदियों को रिहा करवाया ऑर्डर दे के कि उन्हें तुम्हें छोड़ना होगा, और आज उस छोड़ने के बाद वही आज फ्रंट पे जाकर तालिबान से मिलके तालिबानी होके आज वो जंग लड़ रहे हैं। तो इस जंग के नतीजे में अफगानवान में आज कौन है, यही है वो जिनको के रिहा करवा दिया गया। अभी सवाल ये पैदा होता है सबका क्या कहना है, चाइना, पाकिस्तान, ये तो उनके साथ हमेशा ही कांधे से कांधा लगा के खड़े हुए हैं, और उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश धीमी आवाज में कहते हैं कि कहना है हाँ या ना, कहते हैं अगर तालिबान ने रुख नरम इख्तियार किया हमारे साथ तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो तालिबान हमारे अम्बेसी और हमारे इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, हमारे लोगों को नहीं मारेंगे अगर ये ऐसा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अंदर कई सवाल जन्मते हैं, वही इसलिए सवाल पैदा है सबका क्या कहना है, धीमी आवाज़ में कहता है कोई बुलंद आवाज़ में कहता है, मगर आखिर में एक ही कहा जाता है। अब आप देखोगे, आपने मेरा इस छोटा सा प्रेजेंटेशन को देखा तो अगर ये आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।